हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 7 एटॉमिक थ्योरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाथ सेड, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, अ स्टेज वुड कम बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल नॉट बी पॉसिबल, ही नेम दीज पार्टिकल्स एज परमाणु। एक साइंटिस्ट थे महर्षि कनात, उन्होंने क्या बताया कि मैटर को हम डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि हम इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इस पार्टिकल को नाम दिया परमाणु। मैटर क्या होते हैं? मैटर में वो सारे चीज़ें और सारे सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं जो एक मास कवर करते हो और एक एरिया कवर करते हो। और महर्षि कनाद ने भी यही बताया कि मैटर को अगर हम कंटिन्यू डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि उस मैटर को और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकेगा, और उन्होंने इसी छोटे से छोटे पार्टिकल को नाम दिया परमाणु। Another Indian philosopher, Pakuda Katyayan, said that these particles normally exist in a combined form, which gives various forms to matter. कनाद के बाद एक इंडियन फिलोसोफर आए, पाकुदा कत्यायन। इन्होंने बताया कि पार्टिकल्स जो हैं, जिनको परमाणु नाम दिया गया है, ये नेचर में कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सिंगल नहीं रहते, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। ये मैटर के अलग अलग फॉर्म में रहते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में, एलिमेंट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ये रह सकते हैं, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। ग्रेट फिलोसोफर डेमोक्रेटिक एंड ल्यूकिपर सजेस्टेड दैट इफ वी डिवाइड द सब्सटेंस देन अ स्टेज विल कम व्हेन फर्दर डिवीजन ऑफ पार्टिकल्स विल नॉट बी पॉसिबल। डेमोक्रेटिस कॉल दीज इंडिविजुअल पार्टिकल एटम्स। जैसे महर्षि कनाद ने बताया था कि मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि और ज़्यादा डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगा, उन्होंने इसको परमाणु नाम दिया था, लेकिन डेमोक्रेटिक ने इनको एटम्स का नाम दिया। In 1808, John Dalton gave an atomic theory on the basis of laws of chemical combination, mass conservation and fixed ratio. 1808 में एक साइंटिस्ट आए, जॉन डॉल्टन, जिन्होंने एटम्स को लेकर एक थ्योरी दी जिसको एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डॉल्टन। डॉल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके कुछ मेजर पॉइंट्स थे। फर्स्ट है, ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नॉन एज एटम्स। कोई भी सब्सटेंस है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है जिनको हमने एटम्स का नाम दिया है। एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और जो एटम्स हैं वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, मतलब इनको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर कोई एलिमेंट सेम है तो उनके जो एटम्स होंगे उनका मास सेम होगा, साइज सेम होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। इनकी थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट था, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो उनका मास भी अलग होगा, साइज भी अलग होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगी। नेक्स्ट पॉइंट था, इन्होंने बताया कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो वो जब कंबाइन होंगे तो एक कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, और उनके बीच का जो रेशियो है वो एक डेफिनेट रेशियो होगा, मतलब फिक्स रेशियो में ये लोग कंबाइन होंगे। एटॉमिक थ्योरी का सिक्स्थ पॉइंट था, इन केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली रीशफल टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि जब कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो एटम को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उनको तोड़ सकते हैं, सिर्फ इनको एक से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, मतलब रीशफल किया जा सकता है।
मैनी फैक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बट इट वॉज द माइल स्टोन इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स थे जो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे, लेकिन इनकी जो ये थ्योरी थी वो बहुत अच्छी साबित हुई एटॉमिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थॉमसन, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। इन्होंने एटम्स का एक मॉडल दिया जिसको हम एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन कहते हैं। एटॉमिक मॉडल वर बीइंग डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स किस तरह अरेंज होते हैं, इन्होंने अपने मॉडल की सहायता से हमें समझाने की कोशिश की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी जे जे थॉमसन ने ही की थी। द फर्स्ट मॉडल वॉज गिवन बाय सर जे जे थॉमसन इन 1898। इन्होंने 1898 में अपना मॉडल दिया था जिनको हम एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज एन पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर ऑफ 10^-10 मीटर इन साइज। इसका मतलब था कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इनकी साइज क्या होती है, 10^-10 मीटर। ये इन दिस सॉलिड स्फेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड एम्बेडेड एंड अनफॉर्मली इन इक्वल अमाउंट। और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह धंसे हुए रहते हैं जैसे वाटरमेलन में बीज धंसे हुए रहते हैं। इन्होंने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल का नाम भी दिया क्योंकि इन्होंने बताया कि जिस तरह केक या फिर वाटरमेलन है, तो केक में जो ड्राई फ्रूट्स धंसे हुए रहते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में धंसे हुए रहते हैं, मतलब चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं। इन्होंने दो एग्जांपल दिए, प्लम पुडिंग और वाटरमेलन। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाटरमेलन में बीच की तरह फैले हुए हैं और जिन पर नेगेटिव चार्ज है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन्स हैं। He compared this with a sweet plum pudding in which dry fruits are embedded here and there in a cake. We can take the example of watermelon to understand this, in which the fleshy part can be taken as positive part and seeds can be compared with electrons. Electrons are negatively charged. इनके बाद next scientist आए Rutherford। इन्होंने एक experiment दिया था जिसको हम रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। रदरफोर्ड परफॉर्म्ड अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल इन 1911। इन्होंने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोल्ड फॉइल की, मतलब गोल्ड की एक शीट ली जिस पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई। In this experiment, high energetic alpha particles were bombarded on thin gold foil of 100 nanometer. Alpha particles are dipositive helium cation. और जो ये alpha particles थे वो dipositive helium cations थे। इन्होंने बताया, the circular screen was coated with fluorescent material zinc sulfide. और जो screen use की थी उन्होंने वो फ्लोरोसेंट मटेरियल, मतलब चमकीला मटेरियल था जिंक सल्फाइड, उससे उन्होंने इसको कॉटेड किया था। द थिन गोल्ड फॉइल वॉज सराउंडेड बाय द सर्कुलर स्क्रीन। और जो गोल्ड फॉइल ली थी वो इस स्क्रीन से पूरी तरह से घिरी हुई थी। इन्होंने बताया, जब इन अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया गया तो इन्होंने एक फ्लैश लाइट क्रिएट की। Thus, we can find out the path of alpha rays after passing through gold foils. By his experiment, Rutherford observed that most of alpha particles pass through thin gold foil without any deflection. उन्होंने पाया कि बहुत सारे ऐसे alpha particles थे जो उस gold foil को कोई भी deflection के बिना pass कर गए। A few alpha particles were deviated making a small angle from its original path. और कुछ ऐसे particles थे जो कोई angle बनाते हुए उससे गुजरे। 2000 particles में से एक particle ही ऐसा था जो 90 degree या फिर 120 degree angle पर deviate हुआ, मतलब इससे pass हुआ। Third point उन्होंने क्या note किया, A very few particles were bounced back one out of
20,000 particles and return back on its own path, making nearly 180 degree angle with its original path. और उन्होंने बताया कि बहुत ही कम पार्टिकल, मतलब 20,000 पार्टिकल में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस अपने पाथ पर 180 डिग्री एंगल बनाते हुए लौट आया. उनका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से अरेंज था. इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए और गोल्ड फॉइल ली, जिसके चारों तरफ एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनाई जो जिंक सल्फाइड की थी. फिर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की गोल्ड फॉइल पर बौछार करवाई, तो इसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स डायरेक्ट पास आउट हो गए और कुछ ऐसे थे जो 90 डिग्री या 120 डिग्री एंगल बनाते हुए गए, और उनमें से बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो वापस अपने पाथ पर, मतलब 180 डिग्री पर लौट आए. अब हम पढ़ेंगे उनके एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकला. द रिजल्ट ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड. फर्स्ट उन्होंने क्या पता लगाया, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, मतलब एटम का मोस्टली पार्ट क्या है, खाली है, मतलब वैकेंट है. सेकेंड बात क्या पता चली, ऑल पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम. जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ होगा, एटम के सेंटर में होगा, मतलब न्यूक्लियस में होगा. द प्लेस ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ एटम. एटम का जो वॉल्यूम होता है उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज बहुत कम ही जगह कवर कर रहा था. दिस पॉजिटिव चार्ज वॉज कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसी पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस का नाम दिया गया. द डायमीटर ऑफ एटम इज अप्रॉक्स, जो डायमीटर होता है एटम का वो 10^-10 मीटर होता है, और न्यूक्लियस कितना होता है, 10^-15 मीटर. फिर इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया. बेस्ड ऑन द कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रेजेंटेड एन एटॉमिक मॉडल, दिस वॉज कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम का नाम भी दिया गया. इन्होंने इसमें क्या बताया, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज फाउंड कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम. कोई भी पॉजिटिव चार्ज और मास जो है एटम का वो सेंटर में रहेगा, जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देंगे. सेकेंड बात उन्होंने क्या बताई, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम रिमेन्स वैकेंट और एम्प्टी, मतलब एटम का बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो खाली है. देयर आर सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड रिवॉल्विंग, और इसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू चक्कर लगाता रहता है. दीज सर्कुलर पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इन सर्कुलर पार्ट्स को ऑर्बिट्स और शेल्स का नाम दिया गया. और इन्होंने बताया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज भी होता है. सर्टेनली द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज कंसिडर्ड सोलर सिस्टम मॉडल, और इन्होंने अपने मॉडल को कंपेयर किया सोलर सिस्टम मॉडल से. इन दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस. उन्होंने अपने मॉडल में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं, जिस तरह से सन के चक्कर लगाते हैं सारे प्लैनेट्स. जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन ऑर्बिट्स, इन दिस वे दिस मॉडल बिकम द फंडामेंटल बेसिस टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बट सम फैक्ट्स वर स्टिल टू बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल. इनके मॉडल की कुछ कमियां थी, तो हम उनको देखते हैं. ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि एटम कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा. इट इज़ ऑल्सो डज नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को नहीं बताया कि ऑर्बिट्स या शेल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होंगे. थर्ड इन्होंने नहीं बताया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लीनियर नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम. इन्होंने हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी. अकॉर्डिंग टू क्लार्क्स मैक्सवेल थ्योरी, व्हेन
इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन इन सर्कुलर ऑर्बिट। क्लार्क मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं तो वो एनर्जी को फॉर्म करते हैं, मतलब एनर्जी रिलीज करते हैं। इट्स एनर्जी बींग्स टू डिक्रीज एंड इट्स पाथ ऑफ मोशन बिकम स्पायरल, और ये स्पायरल फॉर्म में मोशन करते हैं। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स विल कॉलेस इंटू न्यूक्लियस एंड एटम विल नो मोर, बट एक्चुअली इट डज नॉट हैपन, एटम एग्जिस्ट इन नेचर। ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस, उन्होंने नहीं बताया कि एटम किस तरह नेचर में एग्जिस्ट करता है। इनके बाद नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड्स की कमियों को। इन्होंने अपना मॉडल दिया जो किस पे बेस्ड था, क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स पे। हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर। इन 1913 नील्स बोर गेव एन एटॉमिक मॉडल टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट लॉजिकली। नील्स बोर ने 1930 में एक मॉडल दिया जिनको हम एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स कहते हैं। ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताए और इन्होंने इसको लॉजिकली एक्सप्लेन भी किया। फर्स्ट इन्होंने बताया एन एटम कंटेंस न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर इन विच प्रोटॉन्स आर फाउंड। एटम्स के मिड में, मतलब सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स फिल होते हैं। सेकंड इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं ऑफ डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट रेडियस, और इनकी एनर्जी और रेडियस फिक्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल्स ऑर्बिट्स, और जिसमें ये सर्कुलर पाथ में ये चक्कर लगाते हैं उनको हम ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल या फिर शेल्स कह सकते हैं। These energy levels are found concentric around the nucleus, और ये energy level जो है वो nucleus के चारों तरफ होते हैं। इनको n से represent किया जाता है, और यहाँ पे n की value क्या क्या हो सकती है, 1, 2, 3, इनको या तो हम इस तरह explain कर सकते हैं या फिर इन orbits को k, l, m, n, o इस तरह से represent किया जाता है। As the value of n increases, orbits become farther from the nucleus and their energy increases. इन्होंने बताया जैसे जैसे n की value बढ़ती जाएगी, मतलब एक शेल से दूसरे शेल पे, दूसरे शेल से तीसरे शेल पे इस तरह बढ़ते जाएंगे, तो उनकी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी, वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। एनर्जी शेल विथ n इज इक्वल्स टू 1 और k, मतलब जो फर्स्ट शेल है जिसको हम 1 या k से रिप्रेजेंट करते हैं वो सबसे कम एनर्जी वाला, मतलब लोएस्ट एनर्जी वाला शेल होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज शेल्स कैन बी mvr इज इक्वल्स टू h अपॉन 2π और इट्स इंटीग्रल मल्टीपल दैट इज nh अपॉन 2π, और इनका जो एंगुलर मोमेंटम है उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, mvr इज इक्वल्स टू h अपॉन 2π। ये जो फॉर्मूला है mvr इज इक्वल्स टू h अपॉन 2π या फिर nh अपॉन 2π, इसमें mvr और h की क्या वैल्यूज हैं। h को प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है क्योंकि ये प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। m डिनोट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m को किससे डिनोट किया जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r का मतलब है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस। हेंस इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दूस सर्कल ऑर्बिट्स ओनली इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज h अपॉन 2π। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स है उनमें किस क्यों चक्कर लगाता है, क्योंकि उनका मोमेंटम क्या होता है, h अपॉन 2π, तभी वो चक्कर लगा सकता है। अकॉर्डिंग टू नील्स बोर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज व्हेन इट रिवॉल्व्स इन एनी सर्कुलर शेल। इन्होंने बताया जब ये रिवॉल्व होता है, मतलब चक्कर लगाता है, तो इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती है।
सेवन्थ पॉइंट उन्होंने बताया, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ओनली व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ तभी चेंज हो सकती है जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करे, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाए, चाहे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आए या फिर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आए, तो इनकी एनर्जी में चेंज होगा। और ये चेंज किस तरह होगा? When it jumps from lower energy level to higher energy level, then it will absorb energy in form of radiation from outside. जब ये lower energy level से higher energy level की तरफ जाएगा तो ये energy को absorb करेगा जो radiation के form में होगी। कहने का मतलब है कि जब वो वन क्लास से सेकंड क्लास में जाएगा, ऑर्बिट्स में जाएगा, तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। व्हेन इट गोज फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल देन इट विल रिलीज एनर्जी इन द सराउंडिंग इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब ये हायर एनर्जी लेवल से, मतलब हाई ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा रेडिएशन की फॉर्म में। द इमिशन और अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑलवेज जनरेट्स अ लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। और एनर्जी को रिलीज करने से या एनर्जी को अब्सॉर्ब करने से जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ एटम होता है। इन्होंने इसे समझने के लिए एक फार्मूला दिया, डेल ई इज इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई इज इक्वल्स टू एच वी। यहाँ पे ई आई का मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल ऑर्बिट, मतलब जो सबसे पहला वाला ऑर्बिट है, जो अंदर के साइड ऑर्बिट्स होते हैं, उनके एनर्जी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया ई आई से। ई एफ का मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फाइनल ऑर्बिट, और जो फाइनल ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया ई एफ से। और एच यहाँ पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। वी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इनके मॉडल में भी कुछ कमियाँ निकाली गई। फर्स्ट है, स्पीसीज और एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स मोर देन वन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। सेकेंड, बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स व्हेन सी थ्रू हायर रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट। थर्ड, दिस मॉडल वॉज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एटम्स वाया केमिकल बॉन्ड्स। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।